हेलो, गुड इवनिंग सर, बहुत नमस्कार। आई होप कि आज आपकी क्लास बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो गई है। कल तो थोड़ा सा माहौल जो है वो लेट हो गया था। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बजरंगी, कह रहे मस्त हैं, बढ़िया भाई, भीम, मीना, मनकेश, प्रजापति, SR क्लासेस। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने कल एक क्लास करना स्टार्ट किया, तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं उनके ऊपर है ना। इसके अलावा अगर आप ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ साइंस की ठीक ठाक वेटेज है तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो हर जगह सेम ही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा CDS की तैयारी कर रहा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, NDA वालों के लिए, कमांडेंट वालों के लिए, और रेलवे के लिए तो मैंने कहा कि स्पेशली है ये, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में हमारे सामने जो भर्ती है वो रेलवे की है और रेलवे में बड़ी भर्तियाँ निकलती हैं, तो इसलिए हमने ऐसा टारगेट किया हुआ है। तो बाकी और बच्चे भी देख सकते हैं, TGT वगैरह वाले भी, बिहार के अगर कोई टीचर की तैयारी कर रहा है तो वो भी देख सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज की हम क्लास करते हैं शुरू, तो लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 1, ये ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी में गलत नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन करो ये। ए मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रो इज कट इन टू 4 इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज। प्रतिरोधकता रो वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या है, ये आपको बताना है। आज हमने रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें, ठीक है? तो आशीष, शंकर, डेविड, राहुल, ये करेंगे सभी। कोई बुक नहीं लो, यहां से पढ़ो जो बताया जा रहा है ना। देखो बेटा, इसने कहा कि एक तार है, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। अब यहां बड़े ध्यान से बात को समझना कि हमारे पास में एक वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी कह रहा है कि रो है, और कह रहा है कि इस तार को हमने 4 कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में काट दिया। तो अगर मैं इसे 4 बराबर भागों में काट भी दूं तो ये एक भाग ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये। अब कह रहा है कि हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो हम सब ने पढ़ रखा है कि जो किसी तार की जो रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड ही नहीं करती, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो मुझे एक चीज बताना, अगर ये तार मान लो कि सोने का है, जब उसके 4 टुकड़े कट के आएंगे तो भी तो सोने के गोल्ड के ही होंगे। तो भैया रेजिस्टिविटी हर पार्ट की वही होगी जो पूरे पार्ट की है। रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने सोने का तार छोटा लिया कि बड़ा लिया है, रेजिस्टिविटी जो है ये क्या रहती है, सेम। ये केवल मटेरियल के बदलने पर ही बदलती है, या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तापमान का। तो कोई तार है, अगर मैं इसे कहता, इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछ लेता कि भाई एक तार है, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध है R, इसे 4 बराबर हिस्से में काट देंगे तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसे हम 4 बराबर हिस्से में काटेंगे तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस होता R/4, R/4, R/4। तो रेजिस्टेंस तो है लंबाई, मोटाई, मटेरियल, सब पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस पूछता तो हमारा आंसर आ जाता फिर R/4। अभी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो रेजिस्टिविटी काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है? अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। देखो बेटा, हमारे पास एक सर्किट है ये, अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा लिख देता हूँ। ये 4 ओम का तार है, एक 6 ओम का है ना। हमारे पास में एक 4 है, एक 6 है, तो पहले वाला जो है वो 4 ओम का है, यह 6 ओम का। तो कह रहा है कि हमारे से कि पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब भी समझो कि जो 4 ओम का तार है इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज होगी। तो टोटल बैटरी लगा रखी है हमने यहाँ पे कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की। तो बैटरी हमारे पास में लगी हुई है 5 वोल्ट की। तो आपसे कह रहा है कि इस 5 वोल्ट में से ये 4 ओम का जो है इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज होगी। तो सबसे पहले तो बेटा एक बात समझो, इसमें से आप एक ऑप्शन तो तुरंत बाहर निकाल दो। कौन सा वाला ऑप्शन बाहर निकाल देंगे, ये वाला। भाई आप एक चीज बताओ, भाई टोटल वोल्टेज 5 है इस, ये दोनों तार सीरीज में, यहाँ से कुछ करंट चलेगी है ना। तो सीरीज में जो करंट रहेगी पहले वाले तार में वही रहेगी दूसरे में, तो सीरीज में करंट तो सेम होती है पर दोनों के सिरे पर वोल्टेज तो अलग अलग होगी, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। अब आपको पता कि टोटल वोल्टेज 5 है, इस 5 में से कुछ इसके सिरे पर आएगी, कुछ इसके सिरे पर, तो 5 की 5 तो इसके सिरे पर आनी जाएगी 4 ओम के, तो गलत हो गया। दूसरा हमें एक बात पता है कि भाई V इज इक्वल टू होता IR, तो सीरीज में करंट रहती है सेम, I तो सेम है, तो V और R आपस में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इसका मतलब ये होता है कि सीरीज में जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके सिरे पर ज्यादा वोल्टेज आती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसके सिरे पर कम वोल्टेज आती है। यानी कि जिस रेशो में रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस का रेशो कितना है, 1 का रेजिस्टेंस है 4, 1 का 6 है, तो रेजिस्टेंस का रेशो है आपके सामने 2:3। अगर रेजिस्टेंस का रेशो 2:3 है तो वोल्टेज भी 2:3 में बट जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे बात पूछूं कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा
वही वोल्टेज का रेशियो होगा। तो वोल्टेज बटेगी 2:3 में, तो टोटल वोल्टेज कितनी है 5, तो 5 को आपको बांटना है। तो मुझे बताना है कि जो 4 ओम का तार था है ना, इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, यानी कि मुझे V1 की वैल्यू बतानी है। तो टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो पहले वाला जिसका जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम था, उसके सिरे पर वोल्टेज कितनी है 2, कितने में से 3 और 2 5 में से, तो 5 से 5 कट गया, तो उसके सिरे पर वोल्टेज आएगी टोटल 2 वोल्ट की। तो हमारे बनेगा आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, बाकी सारे गलत हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जब तार आपके सीरीज में जुड़े होंगे, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब हमारे तार सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होता है उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ती है। तो सीधे सीधे देख लो पेपर में आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि रेजिस्टेंस का रेशियो 4:6 यानी कि 2:3, अगर रेजिस्टेंस 2:3 में है तो वोल्टेज भी 2:3 बटेगी। तो वोल्टेज बटेगी 2:3 में, टोटल वोल्टेज भी 5 है और अनुपात का जोड़ भी 5 ही है। तो फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं आप कि पहले के सिरे पर वोल्टेज 2 और दूसरे के पर 3, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगले बात है ये करना, ये को ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे क्लास में, कह रहा कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द लैंप इन 3 डेज। तो आपको बताना कि अगर 100 वाट का बल्ब डेली 5 घंटे जलाएंगे, तो आपको बताना कि 3 दिन में कितने यूनिट बिजली का बिल आएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए हैं काफी सारे, और आज भी 2-3 आएंगे ये करने हैं। तो अजय, अजय कुमार राजपूत, नंदलाल, ईश्वर, डेविड, तो जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इन सबको बढ़िया से करके चले जाना, और ये मान के चलना मैंने कल ही बोला आपसे कि 90-95% जो हम ये सीरीज चलाएंगे ना, इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा इसमें कवर, नए क्वेश्चन भी हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड सारे करा देंगे, ठीक है। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स का हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। अच्छा मैं एक तो क्लास मेरी जब खत्म होती है तो मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट में देख रहा था कल वाली क्लास पे कि जी कंटिन्यू रखना ये वो, तो देख के लगा कि हाँ बच्चे सीरियस हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो। अब देखो कितने वाट का बल्ब बेटा, 100 वाट का बल्ब है, टोटल वाट बन गए 100, कितने घंटे जला रहे हैं उसे हम 5 घंटे, डेली 5 घंटे चला रहे हैं, तो कह रहा कि 3 दिन में टोटल कितने हो जाएंगे, फिर 300 और मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिखा है 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 को 10 से भाग करेंगे तो यानी आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 यूनिट बिजली का बिल आएगा, 1.5 यूनिट्स, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, देखो ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, वहां से आप इसे कर सकते हैं, ट्राई करो इसे। कह रहा कि एक परिवार के एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग होता है, यानी कि 320 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। कह रहा कि अगर एक परिवार में एक महीने में 320 यूनिट बिजली का बिल आए, तो आपको बताना कि ये जो 320 यूनिट है वो जूल में कितने के बराबर होंगी। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा था, बायो कौन पढ़ेगा। अगर आप ने कैरियर विल एप्लीकेशन पर साइंस स्पेशल जो हमारा लेटेस्ट बैच आया, अगर आपने वो बैच ले रखा है तो उस बैच में बायो पढ़ा रही है काजल मैम। देखो ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 320 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो बेटा कितने यूनिट कंज्यूम की जा रही है, 320, और आपको हमने बता रखा कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है, जब आप एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो एक यूनिट का मतलब होता है 36 लाख जूल, 3.6 × 10^6 जूल, तो टोटल हमने यूनिट कंज्यूम किया 320, तो एक यूनिट में हम कितना कंज्यूम करते हैं, 3.6 × 10^6 जूल, तो इसे आप सोल्व कर लेना, तो पॉइंट से जाएगा 0, तो 32 × 36 × 10^6 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, और 3236 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लेना कितना बनेगा। अगर ये 3030 होता तो 900 होता, 900 से थोड़ा सा बड़ा सा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा ये, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 6 × 12 बाद में आना चाहिए 2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। सोल्व कर लोगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 1152 × 10^6 जूल, ठीक है। तो 1152 × 10^6 जूल। अगले बात है, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वाट एंड इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 2000 वाट आर यूज फॉर 4 आवर्स डेली, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 डेज। तो कह रहा हमारे से कि 1000 वाट का है हीटर, एक 2000 वाट का हमारे पास में इलेक्ट्रिक गीजर है, अगर इन्हें हम डेली 4 घंटे चलाएं, यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों को 4-4 घंटे, कह रहा है कि 1000 वाट वाले को भी 4 घंटे यूज कर रहे हैं, गीजर को भी डेली 4 घंटे यूज कर रहे हैं, तो 10 दिनों में खपत की गई आपको किलोवाट घंटा में, आपको बताना कि इन किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, किलोवाट घंटा में बतानी है।
तो बेटा देखो, किलोवाट घंटा का मतलब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अगर आपने कल की क्लास ली हो, नहीं ली तो यहां देखना। एक किलोवाट घंटा का मतलब ये होता है, ये का मतलब होता है किलो, ये है वाट, ये है घंटा। एक किलोवाट घंटा मतलब होता है एक यूनिट। तो यानी आपसे पूछ रहा है किलोवाट घंटा मतलब है कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की 10 दिन में, यूनिट्स में बताओ, तो कितनी यूनिट बिजली का बिल आएगा ये आपको बताना है। तो हम सभी को पता ही है, अभी हमने फॉर्मूला देखा ही है, नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला हमारे पास में है, वाट गुना घंटे बटे 1000, है ना, वाट गुना घंटे बटे 1000। तो यहाँ पे एक्चुअली देखना, तो कितने वाट का बेटा हमारे पास में, 1000 वाट का ये है और 2000 वाट का ये है, तो टोटल वाट कितने बन गए मेरे पास में, 3000 वाट बन गए, 3000 वाट। और कितने घंटे हम डेली यूज कर रहे हैं, 4 घंटे। अच्छा भाई देखो, मैंने सीधे सीधे इसलिए जोड़ दिया क्योंकि 1000 वाट वाला भी 4 घंटे यूज कर रहे हैं, 2000 वाट वाला भी 4 घंटे यूज कर रहे हैं, तो यानी कि टोटल 3000 वाट हम 4 घंटे यूज कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि 10 दिन में कितना कंज्यूम करेंगे, तो डेज 10 हैं तो 10 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आया 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 3 12 1 0, 120। तो यानी कि 120 यूनिट बिजली का बिल आएगा, बात समझ रहे हो। अगर वो कहता कि 1000 वाट वाला तो 4 घंटे चला रहे हैं, 2000 वाट वाला 8 घंटे चला रहे हैं, फिर दोनों के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग निकालते कि जो 1000 वाला है उसे 4 घंटे चला रहे हैं तो 10 दिन में कितने यूनिट खर्च होंगे, और फिर 2000 वाट वाला अगर 10 घंटे चला रहे हैं तो 10 दिन में कितने होंगे, फिर अलग अलग को करके जोड़ना पड़ता। पर ये वाला भी 4 घंटे यूज कर रहे हैं, ये भी 4 ही घंटे यूज कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे इन्हें जोड़ सकते हैं, 1000 और 2000 को 3000 कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हैं बात को। अब अगले पाते हैं, ये करो देखो, ये क्वेश्चन जो है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बस थोड़ा सा उसने आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की है। तो देखो इसने क्या पूछा, इसने कहा 1 kWh इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कह रहा कि किलोवाट घंटा जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी है कंज्यूम्ड व्हेन 1 kWh इज यूज फॉर 1 hour इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्रेस इट इन जूल। तो कह रहा कि 1 kWh जो है, 1 kWh एनर्जी कंज्यूम्ड की जाती है 1 घंटे में, तो ये कह रहा है कि इसे हम जूल में बताओ। तो आपको पता ही है कि 1 kWh को, यानी कुल मिला के सीधा सीधा समझो कि 1 kWh को आपसे कह रहा है कि भाई साहब से जूल में कन्वर्ट करो। तो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 kW शक्ति का प्रयोग करने पर वैद्युत ऊर्जा की खपत 1 kWh होती है, इसे जूल में दर्शाओ। तो 1 kWh को आपको पता ही जूल में कितना होता है, 3600000 के बराबर, 3.6 × 10^6। यानी ये क्वेश्चन देखो कितने तरीके से मैंने कल भी बोला था आपसे, ये क्वेश्चन एक बार हमने कल पढ़ा, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि 1 kWh जो है ये कितने जूल के बराबर है, 3.6 × 10^6 जूल के। यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख के ही पूछ लिया कि 1 kWh को जूल में बताओ, तो यही आया है ना। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया रेलवे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसे बेटा मैच करना अपन आपस में। निम्नलिखित का सही मिलान करें, इधर लिखा है इसने वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर, इधर लिख रहा है ये जूल पर सेकंड, 3.6 × 10^6 जूल, 1000 वाट, 746 वाट। तो जो जो आपको पता है उस आधार पे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 56। नहीं, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन आता है जब, ये अभी तो लाइव चल रही, लाइव में नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, है ना। तो जो जो बच्चे क्लास में आते रहे एक बार ये वीडियो को भाई लाइक वाइक करते रहना, ताकि हमें लगे कि हाँ कुछ बढ़िया हम तुम्हें बता रहे हैं। चलो अब देखो, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो इतना तो सबको पता ही, हम बहुत देर से क्लास में बात कर रहे हैं कि 1 kWh जो होता है 3600000 जूल के बराबर होता है, यानी कुल मिला के जो 3 है ये किसके साथ जाएगा, बी के साथ, तो बी के साथ में आना चाहिए 3। तो यहाँ पे बी के साथ में 3 आ रहा है क्या, बी के साथ में 4 आ रहा है, तो गलत हो गया। बी के साथ में 2 आ रहा है, गलत हो गया। बी के साथ में 2 आया, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी मैच करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं खत्म से खत्म बच्चों को इतना पता है कि एक हॉर्स पावर, एक अशु शक्ति, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के, यानी 4 के साथ में आना चाहिए डी, तो 4 के साथ में डी आना चाहिए, तो यहाँ 4 के साथ में डी आ रखा है, तीसरे के साथ में बी आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, तो यानी कि 2 के साथ में आना चाहिए सी, 2 के साथ में सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि 1 वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर, तो पावर के फॉर्मूले से हमें पता होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, से आप निकाल सकते हैं 1 वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर, तो यह भी हमें पता है। तो हमारे पास में अगर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये वाली भी होती कि किलोवाट घंटा जो है 3600000 जूल के बराबर है, तो भी आप कर लेते, या हॉर्स पावर वाला आप सभी को पता ही है कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है, तो 4th के साथ में डी आना चाहिए, दोनों ऑप्शन गलत हो जाते, यानी इन दोनों में से कोई सा आंसर है।
फिर आपको ये पता है कि किलोवाट खाली किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर और किलोवाट घंटा होता है 36 लाख जूल के बराबर, तो ये भी एक क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये करना, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, द आईवी ग्राफ ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 शोन इन द फिगर बिलो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3। देखो आपको एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे लिखा उसने I, यहाँ पे लिखा उसने V, और ये तीन रेजिस्टेंस हैं R3, R1, R2। तो ये कह रहा कि कौन से वाला सही ऑप्शन है, ये आपको करना है। R3, R1, R2 ये दिख रहे हैं ना सभी को, NTPC का बैच आएगा भाई, पता चल जाएगा, है ना। पहले जो पढ़ाया जा रहा हो पढ़ लो, एक ही कमेंट बार बार मत करो। देखो आप इस चीज को ऐसे समझो, ग्राफ को समझने के लिए कैसे बेटा, ये वोल्टेज है करंट है। तो मैंने क्या किया क्लास में, देखो मैंने आपको एक नए तरीके से बताया था इस बार नए बैच में, मैंने कहा था कि भाई आप यहाँ पे कोई वोल्टेज फिक्स कर लो। इसमें मैंने यहाँ पे वोल्टेज फिक्स कर ली है, ये वाली वोल्टेज। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ठीक इस वोल्टेज पर, इस वाली वोल्टेज पर, ये जो ये R2 है इसमें कितनी करंट मिली मुझे, केवल इतनी करंट मिली। जो R1 है इसने मुझे इतनी सारी करंट दी, यानी सेम वोल्टेज पर, और R3 में मुझे इतनी सारी करंट मिली। यानी आप खुद सोचो, कोई एक वोल्टेज फिक्स कर लो, मान लो कि 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट पर इस तार में कम करंट जा रही है, इस वाले तार में और ज्यादा करंट जा रही है, इस वाले तार में बहुत ज्यादा करंट जा रही है। यानी R3 सबसे कम रहा होगा तभी तो इसमें ज्यादा करंट जा रही है, और R2 सबसे ज्यादा रहा होगा तभी इसमें करंट कम जा रही है। सेम वोल्टेज पर, सेम वोल्टेज पर जिस तार में करंट कम जा रही है, भाई इतनी करंट जा रही है इसमें, जो R1 है उसमें इतनी ज्यादा करंट जा रही है, और R3 में तो बहुत ज्यादा जा रही है। यानी कि R3 सबसे कम है इनमें, R3 की वैल्यू सबसे कम है और R2 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, R2 की है ज्यादा, तो सबसे कम है मेरे पास में R3। R3 देखो सबसे कम, उससे ज्यादा R1, सबसे ज्यादा ये, भाई इधर को चोच होती है, छोटी होती है, तो R3 सबसे कम है, R2 सबसे ज्यादा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इस वाले में तो R3 को सबसे ज्यादा बता रहा है ये, है ना। इस वाले ऑप्शन में R1 को सबसे बड़ा बता रहा, R1 सबसे बड़ा नहीं है, R2 सबसे बड़ा है, तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें वो डी ऑप्शन बनेगा। तो आई और वी का ग्राफ दे रखा आपसे, आप क्या करेंगे, ये वोल्टेज को फिक्स कर लेंगे ठीक इसी वोल्टेज पे जहां पर करंट ज्यादा मिलेगी, यानी वो प्रतिरोध सबसे कम है, और जहां पे सबसे कम करंट मिलेगी यानी कि वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहे हैं जिसमें जगदीप सिंह, प्रिंस कुमार साहू का सही है, अनुज कुमार का गलत था, मनोज गुज्जर जी का भी गलत था, ये डेविड का सही था, नायडू बंगारू इनका भी ठीक था। भाई थोड़ा एक ठीक ठाक क्वेश्चन आते, गलत नहीं करना। ये करना, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट व्हेन अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 2.5 mA, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओम बताना है। तो ये कह रहा हमारे से, 5 वोल्ट का संभावित अंतर जब किसी चालक पर लगाया जाता है तो 2.5 mA की धारा उत्पन्न होती है, चालक का प्रतिरोध बताइए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, और बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, और कितनी करंट पैदा कर रहा है, 2.5 mA की। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10^-3 होता है मिली का मतलब। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो वी भी दे रखा, आई भी दे रखा है, तो ओम का नियम लगाओ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास में आर क्या हो जाएगा, यहां से वी बाई आई, वी की वैल्यू कितनी है 5, और आई की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10^-3, है ना। इसे आप सोल्व कर लेंगे भाई, पॉइंट से हटेगा तो 0 हो जाएगा, 25 × 50, ये 3 ऊपर जाएंगी, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास में 2000 ओम, 2000 हमारे पास में ऑप्शन है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर ए लिखा है उसका, भाई साहब डेविड सी बता रहे हैं इसका, अरे ये पूरी क्लास ने सी की लाइन क्यों लगा दी भाई, क्या चक्कर है तुम लोगों का। तो आप लोग के साथ क्या है, इतना बताने के बाद भी तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक तुम्हारे पे डंडे बजने चाहिए। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया आज तक कितने न्यूमेरिकल करा दिए हैं भाई। जो करंट है ये करंट लिख रखी 2.5 mA, क्या लिखा है 2.5 mA लिखा है, तो क्या सीधे सीधे चिपका दोगे कि यहाँ पे वी 5 और ये 2.5 है, और 2.5 से 5 काट के 2 कर दिया। ये तो मूर्ख बच्चा भी करके आएगा क्लास में, तुम्हारे पढ़ने का फायदा क्या फिर भाई। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो, आपको 1,00,000 बार बताया है कि न्यूमेरिकल करते समय इनकी जब भी आप वैल्यू पुट करें तो आप हमेशा SI यूनिट पुट करेंगे भाई। रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, ओम में, तो ओम में ही पुट करना है फॉर्मूले में। करंट को एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में रखेंगे। मिली एम्पियर है तो उसका एम्पियर बनाओ,
चार्ज को हमेशा कुलाम में ही रखेंगे, माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, तो उसका कुलाम बनाओ। तो आपको ऐसा यूनिट यूज करने थोड़ा ना कि मुंह उठा के ऐसी वैल्यू पुट कर दोगे कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2.5 पुट कर दिया, पूरी क्लास गलत कर रही है। ये करो क्वेश्चन नंबर 6। अरे तुम एक लाइन के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। वैभव कह रहे क्लास 10th की फिजिक्स बैच, तो क्लास 10th वाले भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सबको। इलेक्ट्रिसिटी आपके यहां पर भी है, इसे लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई इस पर निर्भर करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखो भाई कोई भी तार का जो रेजिस्टेंस है, मान लो एक तार है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस मान लो कि 20 ओम है, तो किसी तार का रेजिस्टेंस इस बात पर निर्भर थोड़े ना करता है कि उस समय इससे करंट 2 एम्पेयर की पास कराओ तो भी इसका रेजिस्टेंस 20 ओम रहेगा, 5 एम्पेयर की पास कराओ तो भी 20 एम्पेयर रहेगा। किसी तार का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो किसी तार का रेजिस्टेंस उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर मैंने बताया था टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, उसे कितनी करंट फ्लो कर रही है उससे मतलब नहीं है। अगर एक तार का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो कितनी भी करंट पास कराओ उसका रेजिस्टेंस तो 100 ओम ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ये करना जल्दीबाजी में, गलत मत करना इसे। टू पार्टिकल्स विद चार्ज Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस टू एग्जर्ट फोर्स एफ ऑन ईच अदर, इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/5 देन द फोर्स बिटवीन देम इज। दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 कर कुछ दूरी पर रखे हैं, कह रहा अगर उनके बीच की दूरी को रिड्यूस कर दे 1/5, यानी पहले की 1/5 कर दें, 1/5 कर दें, तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा उनके बीच में। क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे, खाली ए भी मत लिखो, 51 लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। विष्णु वर्मा, वैभव, डेविड, जगदीप, विष्णु, बजरंगी, भीम, प्रिंस, पूजा कुमारी, सब बच्चे ट्राई करो। अब देखो दो पार्टिकल हैं, इन पर चार्ज है Q1 Q2, और जो बच्चे बाद में भी क्लास देखते हैं भाई लाइव कोशिश करा करो आने की, जितने ज्यादा लाइव आओगे ना तभी टीचर का पढ़ाने का मन करेगा। तुम एक क्लास में थक गए हो और इनके बीच की दूरी है R, तो ये कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 R दूरी पर रखे हैं, अगर इनके बीच की दूरी पहले से 1/5 कर दें तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा। तो आपको पता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स होता है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपने दूरी क्या कर दी, दूरी कर दी इनकी 1/5, तो बेटा दूरी तो फॉर्मूले में नीचे लिखा है, तो डिस्टेंस कर दी 1/5, यानी कि 1/5 को आप डिस्टेंस 1/5 कर दी, तो डिस्टेंस लिखे नीचे तो 1/5 नीचे लिख दो, तो इसका स्क्वायर भी, तो यहाँ स्क्वायर भी आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1/1/25, तो 25 पहुंच जाएगा ऊपर, तो यानी कि फोर्स पहले से 25 गुना हो जाएंगे। अच्छा वैसे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी हम कम करेंगे तो दूरी कम होने पर तो फोर्स बढ़ना चाहिए, तो फोर्स बढ़ना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो फोर्स बढ़ना चाहिए, तो 5 गुना होगा कि 25 गुना होगा। हमें पता है कि फोर्स दूरी के वर्ग के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दूरी 1/5 की है तो नीचे लिखेंगे 1/5, उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे 1/25 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी फोर्स पहले से 25 गुना हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को सब बच्चे। देखो जैसे मनोज गुजर ने F/25 कर दिया तो इनका गलत हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो आपको शुरुआत में ही बाहर कर देने हैं। जब भी पेपर में कहे कि दूरी 5 गुना कर दी या 1/5 कर दी, आप सबसे पहले देखो कि हम दो ऑप्शन कौन से बाहर कर सकते हैं। अगर दूरी चार्ज पार्टिकल के बीच की कम करेगा तो फोर्स बढ़ जाएंगे, और दूरी ज्यादा करेगा तो फोर्स घटेंगे। तो दूरी पहले से 1/5 कर रहा है, दूरी कम कर रहा है, तो फोर्स तो बढ़ना चाहिए, तो आप फोर्स को कम क्यों कर रहे हो। तो आपका जो कन्फ्यूजन है ना ये वाला, तो ये तो आपका शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा, जो ऐसी गलती होती है हमारे से। ऐसे हमारे पास में भीम यादव इंस्पेक्टर लिख रखा नाम के आगे और गलत है इनका आंसर, ये है ना। ये करो ये क्वेश्चन, देखो रेशियो वाला है, रेशियो वाले में बहुत गलती होती है हमारे से, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन दे रहा है 1:9 भी, 9:1 भी, 1:3 भी, 3:1 भी, तो जो रेशियो पूछा गया वही निकालना, कभी उल्टा रेशियो निकाल दो। ये कह रहा है कि टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 9 times द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ वायर ए टू दैट ऑफ वायर बी। देखो दो तार हैं ए और बी, दोनों एक ही सामग्री के बने हैं, दोनों सेम मेटल के बने हैं, लंबाई भी समान है, लेकिन उनका जो क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल है, यानी कि जो उनका
एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो अलग अलग है। कह रहा तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, तो तार ए की त्रिज्या का तार बी की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दो तार है हमारे पास में, तो जो तार ए है उसका रेजिस्टेंस में लिख रहा हूँ आर ए से और तार बी का लिख रहा हूँ आर बी से। तो कह रहा है कि इनके जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो वो कह रहा है कि यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना हो, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तार बी के रेजिस्टेंस का 9 गुना है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस एक है तो इसका है 9 गुना। अब कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो भाई मुझे अच्छी बताओ रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं ए को लिख दूंगा रेडियस की फॉर्म में तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां बड़े ध्यान समझना कि दोनों तार कह रहा है कि सेम मेटल के बने हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता सेम है, दोनों की लंबाई भी सेम कह रहा है और पाई तो कॉन्स्टेंट है 22/7, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। यानी अगर मैं यहां से आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू निकालू, आर ए अपॉन आर बी के निकालू तो क्या होगा, तो यहां देखना रेजिस्टेंस ऊपर लिखा तो रेडियस लिखिए नीचे, यानी अगर ए का रेजिस्टेंस ऊपर लिखा तो ए की रेडियस नीचे लिखनी पड़ेगी और रेडियस पे स्क्वायर भी है तो आर ए का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, आर बी नीचे लिखा तो उसकी रेडियस आ जाएगी ऊपर। ठीक, अब यहां देखना इसका कितना है 9, इसका है 1, तो आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, तो आर बी अपॉन आर ए कितना हो जाएगा 3:1। अब जल्दीबाजी में आप 3:1 पर टिक मत लगा देना पेपर में, क्योंकि देखो उसने पूछा क्या है, आपको बताना रेशो, बताना रेडियस ऑफ ए टू रेडियस ऑफ बी, यानी आपको आर बी अपॉन आर ए नहीं बताना, आपको बताना कि ए की रेडियस और बी की रेडियस का अनुपात तो इसे पलटना पड़ेगा। तो ए की रेडियस और बी की रेडियस का अनुपात निकालोगे तो 1:3 आंसर आएगा, यानी इसका आंसर हमारा बनेगा बी ऑप्शन। तो जिन बच्चों का बी आया होगा उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। अब देखते हैं बी किस किस का आया है। नायडू का आया है, ए गलत। सर मैं आपकी क्लास बाद में देखता हूँ, बट जो टीचर पढ़ाया चाहते हैं पढ़ाते हैं। डेविड लिख रहे हैं बी ऑप्शन ठीक है इनका, पंडित टेक्निकल क्लासेस का ठीक है, भीम यादव जी ने सही कर लिया, मनोज विष्णु इन सबका एकदम ठीक आंसर आ रहा है। तो ये जिसका आंसर याद है, ये रेशो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इनमें अगर रेशो 1:3 आ रहा होगा ना तो 3:1 भी जरूर देगा वो, और हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं तो उसे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन करना, आपको बताना कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको आगे दिख जाएगा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे 1, 2, 3 में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर ए नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानांतर संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधकों के लिए सत्य है। तो पहला कह रहा है कि अगर बहुत सारे रजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो पहली स्टेटमेंट है ऑल द रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है भाई। पैरेलल का मतलब ही क्या होता है, मान लो कि बहुत सारे रजिस्टेंस हैं, पैरेलल का मतलब ये होता है कि इनके आगे वाले सिरे एक जगह जोड़ो और पीछे वाले एक जगह जोड़ो, यानी बहुत सारे होंगे तो दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होंगे, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो पहली स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं है। दूसरा में कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मोर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये बेटा बिल्कुल गलत है। देखो आपको हमने क्लास में बता रखा है कि अगर इस तार का रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, इसका मान लो कि 20 ओम है और इसका मान लो कि 1 ओम है, अगर हम तारों को जोड़ेंगे पैरेलल में तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना वो इन तीनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। तो एक का रेजिस्टेंस 10 हो, एक का 20 हो, एक का 1 हो, जब इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो इनका तुल्य प्रतिरोध इन तीनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। तो पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस घटता है ना कि बढ़ता है, बढ़ता है सीरीज में। एक कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, तो आपको पता ही है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम, तो अगर इन्हें हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें 10 वोल्ट की बैटरी से, तो पैरेलल में खास बात क्या है कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 10 होगी, यहाँ भी 10 बनेगी, यहाँ भी 10, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पहली और तीसरी वाली बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। देख रहे हो उसने छोटी छोटी बातें जो हम किसी क्लास में सीरीज और पैरेलल को पढ़ने से पहले जो हम आपको छोटी छोटी सी बातें बताते हैं उन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके ही टीचर ने क्वेश्चन बना दिया कि क्या बच्चों को ये बात पता है कि बहुत सारे तार पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उनके आगे वाले सिरे एक जगह, पीछे वाले एक जगह, यानी कि सारे के सारे तार दो पॉइंट के बीच में जुड़े होंगे। क्या बच्चों को ये पता है कि पैरेलल में हर तार के सिरे पर वोल्टेज सेम रहती है। क्या उसे ये पता है कि तार को पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो उस आधार पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया। ये करो क्वेश्चन नंबर 9। चलो बहुत बढ़िया पंडित जी, इसने लिखा है 3 बल्ब्स ए बी एंड सी रेटेड 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट रेस्पेक्टिवली
आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 220 वोल्ट द बल्ब दैट ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। ये कह रहा है कि तीन बल्ब हैं, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का है, ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इन्हें 220 वोल्ट के सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, तो सबसे ज्यादा कौन सा ग्लो करेगा? एक 40 का है, एक 60 का है और एक 100 का है। ये मेरे पास में 40 वाट का बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब, ठीक, इन तीनों को 220 वोल्ट के सोर्स से हमने कर दिया कनेक्ट। अब बेटा एक चीज बताना, मैंने आपको बता रखा है कि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है, तो अगर ये 220 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाले बल्ब के सिरे पर भी 220 वोल्टेज रहेगी, इसके सिरे पर भी 220 और इसके सिरे पर भी 220। अगर तार पैरेलल में कनेक्ट हैं, 40 का, 60 का, 100 का, तो इसके सिरे पर भी वोल्टेज 220 आएगी, इसके सिरे पर भी 220, इसके सिरे पर भी 220। तो पैरेलल में क्या होगा, तो जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा वो उतना ही ज्यादा ग्लो करता है। तो थ्री बल्ब ए बी सी, तो तीसरा वाला कौन सा है, ये 100 वाट का। अगर ये हमारे होते सीरीज में, तो देखो फिर सीरीज में यहाँ पे उल्टा हो जाता। अगर तार हमारे घर में, देखो खुद देखो, हमारे घरों में सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है हमने क्लास में पढ़ा है कि सबके सब पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो बताओ आपके घर में 0 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, 9 वाट की एलईडी ज्यादा ग्लो करती है कि 100 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है? तो पैरेलल में क्या होता है, अगर 500 चीजें भी पैरेलल में जुड़ी हो तो पैरेलल में सबके सिरों पर वोल्टेज रहती है सेम। तो पैरेलल में जिसका जो ज्यादा वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज में इसका उल्टा हो जाता, फिर उसमें हमारा आंसर बन जाता 40 वाट। ये करना, ये 3 ओम का है, एक 4 का है, 5 की बैटरी लगी हुई है, ये 3, 4, 5, 3 ओम, 4 ओम और 5। ये कह रहा हमारे से द करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, द करंट थ्रू 3 ओम। ये कह रहा कि 3 ओम से कितनी करंट पास करेगी, भैया तो सीरीज में ही है, तो सीरीज में तो क्या होता है, इस बैटरी से जो भी करंट चलेगी, जो भी टोटल करंट चलेगी, वही जाएगी 3 ओम वाले से पास करेगी, वही 4 से पास करेगी, तो सीरीज में तो करंट सेम ही रहती है। तो देखो 3 और 4 है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 7 ओम, इनका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 7 ओम। टोटल वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट की है, तो हमें करंट निकालनी है V इज इक्वल टू IR से, तो I हो जाएगा V/R, तो वोल्टेज कितनी है 5, रेजिस्टेंस है 7, तो करंट होगी 5/7 एम्पियर। तो जो भी टोटल करंट निकलेगी 5/7 एम्पियर, वही इससे भी पास करेगी, वही से भी पास करेगी, तो 5/7। तो सीरीज में तो पंगा है ही नहीं, अगर केवल सीरीज कॉम्बिनेशन हो, केवल तार सीरीज में जुड़े हुए हो, तो टोटल करंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज दे रखी है, टोटल रेजिस्टेंस सिंपल ही निकल जाता है सीरीज में R1+R2 से, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये आसान क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा, ये करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं लिखते से कौन सा कथन सत्य है। पहले रखा कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र है, यह बिल्कुल गलत है। किसी तार का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उसके मटेरियल पर, टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है। यह कह रहा है कि द मोर द वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर द मोर इज रेजिस्टेंस, नहीं भाई, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे किसी कंडक्टर में, यहां पर एक तार ले लिया, देखो मेरे पास एक तार है ये, ठीक है, मान लो कि 20 ओम का तार है और मैंने इसके सिरे पर यहां पर एक बैटरी लगा दी, तो भाई जितने ज्यादा वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे ना उतनी ज्यादा यहां से करंट निकलेगी। तो वोल्टेज जैसे सब किसी कंडक्टर के क्रॉस बढ़ाओगे तो उससे करंट ज्यादा निकलेगी, उसका जो रेजिस्टेंस है तार का वो तो वही का वही है। भैया थोड़ा ना कि अगर मैंने किसी तार के सिरे पर 10 की जगह 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो उस तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, भाई किसी तार का रेजिस्टेंस तो लंबाई, मोटाई, टेम्परेचर, मटेरियल पर डिपेंड करता है। बस कम वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो कम करंट निकलेगी, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ज्यादा करंट निकलेगी। ओम का नियम कहता ही है हमारे से कि V इज इक्वल टू IR, कि V और I प्रोपोर्शनल होते हैं, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो तार से करंट ज्यादा निकलेगी, ठीक है। तो दूसरे वाला हो गया गलत, तीसरे में कह रहा है, सॉरी ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं, रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो गलत है ही पहले वाला। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र नहीं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई पर, मोटाई पर, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर बनेगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। आप सभी को पता है भाई किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन। अगला करो क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से करना इसे, क्वेश्चन नंबर 13 को। पूजा कुमारी, शंकर, डेविड, सतीश, प्रिंस, बादल पंवार, ईश्वर झाकड़, मनोज गुजर,
बजरंगी, मनीषा, सेतु यादव, नायडू, कुमार कुंदन, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। देखो इसने लिखा है R1 एंड R2 आर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज इन द रेशियो 4:1, द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन R1 एंड R2 विल बी, ये कह रहा कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है, R1 व R2 में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो हमारे पास में दो तार हैं, एक इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, तो कह रहा है कि दो तार है R1 R2, ये कनेक्ट है पैरेलल में और R1 R2 का रेशियो 4:1 है ना, 4:1, तो कह रहा है कि इनसे पास होने वाली करंट का अनुपात क्या होगा। I1 I2 बताना है आपको, अगर पहले वाले से करंट I1 पास कर रही है दूसरे वाले से I2, तो हमने बेटा क्या पढ़ रखा है कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है, अगर इसके सिरे पर वोल्टेज 20 है तो यहां भी 20 होगी, लेकिन पैरेलल में करंट होती है अलग अलग, जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट कम जाती है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें ज्यादा जाती है, यानी कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उससे उल्टे रेशियो में करंट बटेगी, तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 4:1 है तो करंट का रेशियो 1:4 होगा, 1:4 कहां लिखा हुआ है, 1:4 ए ऑप्शन में, तो बड़े ध्यान समझना। सीरीज में क्या होता है, अगर तार सीरीज में जुड़े हों तो जिस रेशियो में उनका रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बटेगी। भाई सीरीज में आप देखो ना V इक्वल टू होता IR, सीरीज में करंट सेम होती है, तो जो V और R एक ही लाइन में होंगे तो जो रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बटता है सीरीज में, लेकिन पैरेलल में क्या होता है भाई V इक्वल टू IR है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो यहां से अगर मैं आई निकालूंगा तो V बाई R आएगा, तो पैरेलल में रहती है वोल्टेज सेम, तो पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट बटेगी। तो ध्यान रखना अगर तार पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जो भी उनके प्रतिरोध का रेशियो होगा उससे ठीक उल्टे रेशियो में करंट बट जाएगी, रेजिस्टेंस 4:1 है तो करंट 1:4 में बट जाएगी। अगला करो, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव, कह रहा है कि बल्ब का जो फिलामेंट है बहुत ही पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि प्राप्त किया जा सके। और आपने बल्ब का फिलामेंट देखा हो ना, वो फिलामेंट ऐसा होता है ना पतली पतला ऐसा कोइल ऐसे करके बल्ब का फिलामेंट, तो कह रहा है कि जो बल्ब का जो फिलामेंट है बहुत ही पतला लंबा बनाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। रविशेखर, ललित, भीम, संदीप, डेविड, बजरंगी, पूजा, दिलीप, नायडू सब करेंगे, शंकर, ठीक है। देखो अरे बड़े ध्यान समझो भाई, आपको मैंने बताया था क्लास के अंदर, जैसे मान लो हमारे पास में एक तार है, इस तार का रेजिस्टेंस आर है और इस अगर आई करंट हम पास करा दें टी समय तक, जब किसी तार में करंट पास कराते तो उसे हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और वो हीट कितनी पैदा होती है आई स्क्वायर आर टी के बराबर, इतनी हीट पैदा होगी आई स्क्वायर आर टी के बराबर। तो यहां बड़े ध्यान समझो कि जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी, तो बल्ब का फिलामेंट को लंबा पतला इसलिए बनाते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, तो लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी, तो बल्ब का फिलामेंट ज्यादा हीट पैदा करेगा उसके अंदर ज्यादा गर्मी पैदा होगी तो ज्यादा रोशनी फेंकेगा, तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो बहुत ही लंबा पतला इसलिए बनाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो रेजिस्टेंस अगर उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा पैदा होगी तो ज्यादा कमरे में प्रकाश फेंकेगा, ठीक है। हाई रेजिस्टिविटी मत कर देना, रेजिस्टिविटी तो लंबाई मोटाई पर डिपेंड करती नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये करना, टू बल्ब ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 3 वोल्ट सोर्स, तो दो बल्ब हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है 3 वोल्ट के सोर्स से, इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए टू दैट ऑफ बल्ब बी इज 1:3, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय बल्ब ए टू दैट ऑफ बल्ब बी, देखो दो बल्ब हैं हमारे पास में, इन्हें समझने की कोशिश करना है यहां पे, ये दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं पैरेलल में, ये हमारे पास बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, ये 3 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट है पैरेलल में, तो ये कह रहा है कि ये जो मेरे पास में बल्ब हैं इनके रेजिस्टेंस का रेशो दे रखा आपको, बल्ब ए और बल्ब बी के जो रेजिस्टेंस है इसका रेशो कितना दे रखा आपको 1:3, तो कह रहा है कि इनमें हीट जो पैदा होगी उसका रेशो बताओ, कि इस बल्ब में मान लो जो हीट पैदा होगी वो एच ए है, दूसरे में जो पैदा होगी वो एच बी है, उसका रेशो बताओ। अब यहां देखो बड़े ध्यान समझना भाई बात को, जब बल्ब जुड़े हुए हैं पैरेलल में, अगर ये 3 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले के सिरे पर भी वोल्टेज होगी 3 वोल्ट और दूसरे के सिरे पर भी वोल्टेज होगी 3 वोल्ट। अब आपको मैंने बताया था कि हीट के बेटा हमारे पास में देखो 3 फॉर्मूले होते हैं,
हीट का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर टी, और एक हीट का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी आई टी। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जो बल्ब वन और टू हैं दोनों जोड़े हमने पैरेलल में, तो जितनी वोल्टेज पहले के सिरे पर होगी उतनी दूसरे के सिरे पर भी होगी, यानी अब इनमें जो हीट पैदा होगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे ना जिससे हमें, जिससे हमारा काम बन जाए। भाई अगर मैं कहता कि दो तार हैं दोनों में करंट सेम जा रही है, अगर दोनों में करंट सेम जाएगी तो फिर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट ज्यादा पैदा होगी, पर यहाँ पे दोनों तारों में सेम करंट नहीं जा रही, यहाँ पे दोनों तारों के सिरे पर वोल्टेज सेम है। अगर तार के सिरे पर वोल्टेज सेम है तो फिर हीट का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, भाई दोनों तारों के सिरे पर वोल्टेज सेम है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, दोनों में सेम टाइम तक ही हम करंट पास कराएंगे तो टाइम भी फिक्स हो गया, यानी कि H जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मुझे यहाँ पे हीट का रेशियो निकालना है HA अपॉन HB, तो क्या आएगा, अगर H ऊपर लिखा है तो इसका रेजिस्टेंस आएगा नीचे और इसका आएगा ऊपर, तो आर बी अपॉन आर ए हो गया। तो आर ए अपॉन आर बी है 1/3, तो आर बी अपॉन आर ए हो जाएगा 3:1, यानी हीट जो होगी वो 3:1 के अनुपात में पैदा होगी। तो जिस बच्चे ने लिखा है इसका बी ऑप्शन उसका एकदम ठीक है। देखो इस क्वेश्चन से मैंने साइंस स्पेशल में मैं न्यूमेरिकल भी कराता हूं, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल हम करते हैं क्लास में, अगर कभी तार के सिरों पर वोल्टेज सेम लगी हो तो यहां रखना, फिर जब वो हीट पैदा होगी ना फिर उसके लिए हम वी स्क्वायर बाई आर टी फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो कहता है कि दो तार सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहती है, तो फिर हीट का फॉर्मूला हम आई स्क्वायर आर टी फॉलो करते कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट ज्यादा। तो आपको देखना पड़ेगा कि तार सीरीज में जुड़े हैं कि पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए हम, ठीक है। अच्छा इस पर आने से पहले चलो एक क्वेश्चन ये करो, अगर किसी बच्चे ने साइंस स्पेशल में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता नहीं कि उसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, या आपने कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की समझ है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बताऊंगा तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई आपने मेरे से ही पढ़ा हो, बस लेकिन आपने एक बार हल्का फुल्का आपको आइडिया हो कि सीरीज में जब जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, है ना, तार से करंट जाएगी तो उसके अंदर हीट पैदा होगी तो उसके फॉर्मूले क्या है, छोटी छोटी सी बातें पता होंगी तो बाकी यहां से आप क्वेश्चन करके उन्हें कवर कर सकते हैं। ये कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो यहाँ पे एक बात समझो, मैं क्लास में आपको देखो ट्रायंगुलर शेप वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ से ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ सेल लगा हुआ है, इसे करंट चली, यहाँ करंट चली, अब देखो जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी, कुछ करंट यहाँ पहुंच जाएगी, मैं उसे लिख रहा हूँ आई वन, और कुछ पहुंच जाएगी यहाँ उसे मैं कह रहा हूँ आई टू। पर यहाँ ध्यान देना, ये जो आई वन करंट इस 3 ओम से पास कर रही है वही आई वन करंट तो यहाँ भी पास करेगी, तो ये आई वन इससे भी पास कर रही है, इसे भी, तो दोनों से सेम करंट पास कर रही है, यानी ये 3 और 3 तो है सीरीज में, तो 3 और 3 है सीरीज में, और इनसे तो पास कर रही है आई वन और इससे पास कर आई टू, तो एक अलग अलग हो गई, तो 3 और 3 है सीरीज में, तो इनका टोटल कितना बनेगा 6, और जो 6 आएगा ना वो 3 के साथ में आएगा पैरेलल में, यानी कि पहले हमारा जो सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, भाई 3 और 3 तो सीरीज में है तो इनका टोटल बन जाएगा आर वन प्लस आर टू, यानी कि 6 बन जाएगा, और जो नीचे वाला है ये कितना हमारे पास में 3 ओम का, तो जो ऊपर वाला है इससे आई वन करंट जाएगी, इससे जा रही है आई टू। याद रखना जब भी पेपर में ट्रायंगुलर शेप दिखे ना तो उसमें 100% एक काम होगा, एक से करंट गई आई वन, एक से गई आई टू, तो ये करंट आई वन जो है ना वो आगे चल के दूसरे से भी पास कर रही होगी, तो ऐसे ध्यान रखना ये 3 और 3 6 हो गया, 6 आया 3 के साथ में इसमें। अब यहाँ पे एक बात देखो, अभी मेरे पास में 6 ओम है 3 है, अब इन्हें जोड़ेंगे पैरेलल में, तो आप चाहो या तो फॉर्मूला लगा लो पैरेलल का, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2, या आप लॉजिक से भी कर सकते हो। हमने क्या पढ़ाया आपको कि अगर दो तार पैरेलल में जुड़े हों तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, तो मेरा जो आंसर आएगा 6 और 3 में छोटा कौन है, 3 से भी छोटा मेरा आंसर आना चाहिए, तो 3 से छोटा देख लो कहां पर है, ये 3 से बड़ा है, ये भी 3 से बड़ा है, ये भी 3 से बड़ा, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। तो चाहो तो आप सोल्व भी करके देख लो, 1/R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 6, 6 आया एलसीएम, 3 × 2 = 6, 6 × 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 आया, तो 1/2 किसकी वैल्यू आई 1/R की, इसे हम पलट के लिखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी पलटना पड़ेगा 2 ओम। तो इतना टाइम खराब नहीं करना, अगर आपके दिमाग में लॉजिक साथ साथ चल रहे होंगे आप क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। भाई जैसे आपने देखा कि 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करना है, पैरेलल की खास बात क्या है कि इनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा मेरा फाइनल आंसर आएगा, तो जिस बच्चे का छोटा आ रहा है उसका आंसर ठीक है। विनोद भरतिया वीडियो गाना बजरंगी कर पा रहे हो भाई क्वेश्चन को ना सबको, ये बच्चे ये करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंसेज डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। देखो ये तो कुछ होता है ना, अपने खुद की समझ से भी करने वाले क्वेश्चन होते हैं, हर एक शब्द क्लास में लिखवाया जाना जरूरी नहीं है, कुछ आप अपने घर में आसपास क्या महसूस करते हैं उससे भी क्वेश्चन होता है, तो खुद महसूस करके बताओ इनमें से, सोचकर कि हमारे घर में कौन सा सा होम अप्लायंसेज है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का हम यूज नहीं करते। तो एक में रखा है इसने इलेक्ट्रिक फैन यानी कि वही पंखा, एक रखा इलेक्ट्रिक मिक्सर, जो मिक्सर होता है ना घर में, मिक्सी ढर्र घूमती है जो, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस, जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं उसे, और एक इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन। तो आप सभी को पता है भाई, पंखे में मोटर होती है तो स्विच ऑन करते हैं मोटर घूमती है तभी तो पूरा पूरा पंखड़ियाँ घूमती हैं, यानी इसके अंदर तो होता ही है। इलेक्ट्रिक मिक्सर भी घूमता है, उसके अंदर भी मोटर लगी होती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं उसमें भी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है फिलामेंट होता है जो गर्म होता है, जिससे हमारे वो गर्म होने के बाद हम कपड़े को गर्म प्रेस कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन में मोटर नहीं लगी होगी। बाकी सब जगह क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। तो अब ये मत कहना सर ये तो आपने क्लास में करवाया नहीं था, जब इतने क्वेश्चन आपको करा रहे हम 250-300, एक आध तो ऐसा आएगा भाई जो डायरेक्ट क्लास में जिक्र नहीं होगा, तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप अपने मन समझ से भी कर सकते हैं ना। तो ये देखो कल की क्लास में क्वेश्चन ऐसा आया था जो हमने क्लास में डायरेक्ट नहीं पढ़ा, एक आज की क्लास में आया है ये करना। क्वेश्चन नंबर 18 करो। और भाई तैयारी वारी से चल रही है? अच्छा, एक तो जब टेक्नीशियन वालों का तो अभी मार्च के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें हम तब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके नोटिफिकेशन में, क्योंकि पिछली बार तो ALP टेक्नीशियन का एक साथ ही आया था, तो बाकी उनके बारे में तब और बात कर लेंगे। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि टेक्नीशियन ALP का जो सिलेबस है वो जो ALP के नोटिफिकेशन में दिया लगभग वही रहेगा, है ना, उस आधार पर। बाकी कुछ चेंज होगा तो सब कर लेंगे और उसके हिसाब से हम आपको करवा भी देंगे क्लास में, ठीक है। अभी इसने लिखा है टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 16 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी द रेशियो ऑफ देयर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ए टू दैट ऑफ बी। पढ़ लिया सबने कि दो तार है ए और बी, एक ही सामग्री के बने हैं, पहला कॉपर का तो दूसरा भी कॉपर तांबे का ही है, लंबाई भी सेम है, उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग अलग है। तो कह रहे थे तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, तो ए और बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो ए का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना, अगर बी का ए है तो इसका 16 गुना है, तो कह रहा है कि इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशो बताना है, तार ए और बी के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का अनुपात। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। अब यहां बड़े ध्यान समझो, दोनों जो तार हैं दोनों समान सामग्री के हैं, रेजिस्टिविटी सेम होगी, दोनों की लंबाई भी सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं यहां से आर ए अपॉन आर बी निकाल लूंगा तो ए जो तार है उसका एरिया आएगा नीचे और बी वाले का आएगा ऊपर, तो इनका अनुपात कितना है, 16:1। तो 16/1 किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए ए। लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है वो, कि आपसे पूछ रहा है वो कि तार ए और तार बी के क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुपात बताओ, तो इन्हें पलट के लिखना पड़ेगा इन्हें, तो ए का एरिया और बी के एरिया का अनुपात पूछ रहा है, तो हो जाएगा 1:16। तो 16:1 पर टिक मत लगा देना, क्योंकि जो हमारे पास 16:1 आया वो क्या आया, बी का एरिया, बी तार बी का एरिया अपॉन तार ए का एरिया, जबकि हमें रेशो क्या निकालना है, तार ए और तार बी के क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात निकालना है, तो हमारे पास पहले आना चाहिए ए फिर आना चाहिए बी। तो ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, रेशो वाले पेपर में जब आपका आंसर आ जाए एक बार उस आंसर को क्रॉस चेक जरूर करना, जब भी चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे GS में फिजिक्स का क्वेश्चन हो, कि जो मेरा रेशियो आया वो जो रेशियो पूछा गया वही आया क्या, तो रेशियो में देख लेना कि पूछा किसका, पहले होना चाहिए ए का एरिया फिर होना चाहिए बी का, जबकि मेरे में क्या रहा, बी का पहले ए का बाद में आ रहा था, तो सब पलट लेंगे तभी के तभी, है ना, तो गलती नहीं करेंगे पेपर में ऐसी। ये करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ये क्वेश्चन करना, कौन सी पावर की यूनिट नहीं है। राहुल, सेतु, अश्वनी, मनोज, करते रहो भाई सब बच्चे क्वेश्चन, प्रिंस राजस्थानी, क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे। देखो भाई, देखो आपको पता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है वाट, तो वाट तो लिख रखा है, बहुत बढ़िया। पावर के लिए हॉर्स पावर भी यूज करते हैं, एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट, तो यह भी हमें पता है ना, और हमें यह भी पता है कि जूल पर सेकंड का मतलब होता है 1 वाट के बराबर, आज क्लास में इससे क्वेश्चन भी आया था। लेकिन बेटा जो किलोवाट घंटा है ये हमने बताया था, ये किलोवाट घंटा जो होता है ना ये पावर की यूनिट नहीं है, यहाँ पे वाट देकर भावुक नहीं होना, ये पूरा जब किलोवाट घंटा लिखा मिले तो किलोवाट घंटा जो है ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होता है, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, हमने पढ़ा था ना कि 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 यूनिट,
तो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है किस आधार पर आता है कि 10 यूनिट बिजली खर्च की कि 250 यूनिट बिजली खर्च की, तो किलोवाट घंटा ये एनर्जी की ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट है, ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, जबकि जूल पर सेकंड का मतलब वाट ही होता है, ये पावर के लिए हम वाट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट है इसकी, और एक हॉर्स पावर भी क्या होता है 746 वाट, तो ये सब हम पावर के लिए यूज कर सकते हैं, ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, ठीक है। अगले पाओ, ये कह रहा है कि ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैज लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास में वो कितनी है, ये इसकी वोटा लेंथ दे रखी है हमारे पास में एल, एल है ये, एंड रेजिस्टेंस आर, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द 3 times द लेंथ एंड 2x द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल हैव ए रेजिस्टेंस इक्वल टू, दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई एल और प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री का एक अन्य तार जिसकी लंबाई 3 गुना क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल 2 गुना है का प्रतिरोध बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कल ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लगभग पहला ही किया था कल की क्लास में, है ना, तो कल की क्लास का पहला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही था। अब हम यहां पे देखो भाई, इसने कहा हमारे से, हमें पता है कि भाई किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है भाई उसका फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, दोनों तार जो है वो सेम ही मटेरियल के हैं तो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम हो जाएगी, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। अब जो दूसरा तार है उसकी लंबाई पहले से कितने गुना है, सेम मेटल हैविंग द 3 times द लेंथ, तो दूसरे की लंबाई है 3 गुना, तो लंबाई ऊपर लिखा है तो लंबाई का 3 गुना है तो 3 ऊपर लिख दिया, और जो उसका जो एरिया है वो उससे 2 गुना है, तो एरिया लिखा नीचे तो 2 गुना हम नीचे लिख देंगे, तो जो नया तार है उसका रेजिस्टेंस पहले का 3/2 गुना होगा, तो पहले का रेजिस्टेंस है आर, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 आर हो जाएगा पहले वाले का, तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। अगला करो, ए मेटेलिक वायर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे सब बच्चे ट्राई। तो ये मौसम ऐसा हो गया फिर से ना, सर्दी है कि गर्मी है कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, और ये मौसम है खतरनाक। जो कि हमें करता है बीमार, है ना, उसमें ध्यान रखना है अपना सभी को। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये कह रहा है कि ए मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 diametrically अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज। देखो हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल का इसने कहा है पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, तो ये डायमीटर हो गया इसका, ये डायमीटर है इसका, हिंदी वाला को पढ़ देते हैं, सोम प्रतिरोध के एक धातु के तार को तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है, वृत्त के 2 व्यासीय विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध, तो बेटा ये इसका व्यास है, ये सेंटर है ओ, तो डायमेट्रिकली अपोजिट, 2 पॉइंट ले लिए मैंने ए और बी, यानी जो डायमीटर बनेगा जो व्यास बनेगा इसके ठीक अपोजिट 2 बिंदुओं के बीच में ये पॉइंट 2 है, तो इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा, पूरे तार का रेजिस्टेंस अगर 100 ओम है तो आपको पता कि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 50 ओम, भाई आधा होगा ना ऊपर, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 50 ओम, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में, यानी आप ऐसा समझो कि एक तार तो ये आ गया जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है और एक तार नीचे आ गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। अब आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है, और आप सभी को पता है कि जब तार हम पैरेलल में जुड़ेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा आपको मैंने बताया था वो कितना आएगा, जो इनमें छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा ही आएगा, तो दोनों ही बराबर हैं, यानी जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 50 ओम से भी छोटा आना चाहिए, तो 50 से छोटा आना चाहिए, बड़ा है ये भी, बड़ा है ये भी, बड़ा है, एक ही ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। या आप इसे आप सोल्व कर सकते हो भाई, तार पैरेलल में जुड़े हैं तो एक तरीका क्या है, 1/R1 + 1/R2, तो 1/50 कितनी बार लिखा हमने, 2 बार, तो सोल्व करेंगे तो 1/25 आएगा, तो पलट के लिख देंगे तो ये 1/R की वैल्यू आई है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ओम इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। भाई आप एक बार समझो, पूरे तार का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने दे लिए 2 पॉइंट ए और बी, तो इसी ए और बी के बीच में 50 ओम का तार ये है और इसी ए और बी के बीच में 50 ओम का तार ये है, तो 2 पॉइंट के बीच में अगर तार जुड़े हैं यानी कि पैरेलल में है तो 50 ओम इसका, 50 ओम इसका, जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो टोटल वो 25 निकल के आएगा।
तो ये मत कह देना जी 50 पे टिक लगा दो, भाई ए और बी के बीच में इसका 50 है इसका 50 है, तो 50 और 50 से पैरेलल में कनेक्ट है ये, तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा अब यहां पर ऐसे एक सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैं चलो आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूं। एक क्वेश्चन देखो मेरे मेरा आपसे ये है, एक मेरे पास में एक तार है ये, और उसने डायग्राम बना रखा है ऐसे पेपर में, यहां पर लिख रखा उसने ए, ए लिख रखा उसने बी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस पूरे तार का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है, तो ए और बी के पॉइंट ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यदि यदि पूरे तार का प्रतिरोध, पूरे तार का प्रतिरोध 40 ओम हो तो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर इज 40 ओम देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो ये पूरा तार है, उसने पेपर में कहा कि इस पूरे तार का रेजिस्टेंस अगर 40 ओम हो तो बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन हमसे पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, ये पिछली बार का आपका क्वेश्चन है शायद रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, तो पूरे तार का 100 ओम था, तो यहाँ पे उसने जो पॉइंट लिए थे ना वो डायमेट्रिकली अपोजिट लिए थे, तो ऊपर वाले का 50 नीचे वाले का 50, 50 50 पैरेलल में, तो कितना आ गया 25। अब यहां देखो पूरे तार का बेटा अगर इसका कितना है 40 है, तो ये चार बराबर टुकड़े हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम, इसका भी हो जाएगा 10 ओम, इतने टुकड़े का भी हो जाएगा 10 ओम, इतने का भी हो जाएगा 10 ओम। अब यानी कि जो मेरे पास पॉइंट ए और बी है इनके बीच में 10 ओम का तार तो ये जुड़ रहा है, और इसी पॉइंट ए और बी के बीच में 10 20 30 और 30 ये भी तो जुड़ रहा है, तो ए और बी के बीच में 30 ओम का तार तो ये कनेक्ट है और एक 10 का है, तो ए और बी के बीच में ही, ए और बी के बीच में ही एक रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का और एक कितना है 30 ओम का। अब ये मत कर देना कि सर ए और बी के बीच में 10 ओम है, भैया ए और बी के बीच में 10 है तो ये 30 ओम भी तो ए और बी के बीच में ही है, तो ऐसा फिर आपने यहां पे आंसर 50 क्यों नहीं बता दिया, भाई ए और बी के बीच में 50 है तो ए और बी के बीच में 50 वाला ये भी तो था, तो यहां 50 और 50 पैरेलल में थे और यहां पे 10 और 30 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 1/R1 + 1/R2, तो 30 आ गया एलसीएम, 10 20 10 30 30 30, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 4/30, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/15, तो पलट के लिखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 ओम का। तो अगर आपका 7.5 आंसर आया तो ठीक है, अदरवाइज आपका गलत है ये, तो 7.5 बहुत सारे बच्चों का आया, काजल कुमारी का आया 15 गलत है, बाकी का 7.5 दिख रहा है, सेतु यादव का 10 महा गलत है ये, अमित कुमार का 10, राहुल नंदा का 10, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर लिखा है 10 उनका गलत है। देखो हमारे से गलती यही होती है, बच्चा क्या करता है पहले ऑप्शन वहां 10 दिखता है, वो सोचता है कि टोटल 40 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10, तो उसे ए और बी के बीच में केवल 10 दिखता है, उसे ए और बी के बीच में 30 दिखता ही नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी आपको हो सकता है कि दिख जाए एक बार को कि भाई इधर 50 है तो इधर भी 50 है, तो यहाँ फिर भी ज्यादा संभावना है कि आपको दिखने की कि 50 50 पैरेलल में आएंगे तो उनका 25 बनेगा, समझ रहे हैं बात को। अरे हाँ या ना, मैं आपसे अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये एएलपी के सीबीटी 1 के क्वेश्चन है, तो सीबीटी 1 में तो यह है ना कि जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा आसान आते हैं वो, ठीक है। तो सीबीटी 1 वाले क्वेश्चन में 1/1 आपसे पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले एक दो थकावा क्वेश्चन पूछता हूं, महा थकावा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये सीबीटी 1 वाले हैं, इसने कहा कि वैद्युतकी में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्हाट डज द सिंबल आर इन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन पूछना ना पूछना पता नहीं किस मास्टर ने बनाया, लग रहा है उनके पास क्वेश्चन ही खत्म हो गए थे। ये कोई क्वेश्चन है कि आर किसके लिए स्टैंड करता है, तो आर किसके लिए होता है बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए, है ना। अच्छा कुछ धुरंधर तो ऐसे हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि रेरिफैक्शन कहें कि रिफ्रैक्शन कहें, ये इलेक्ट्रिसिटी में पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आर होता है रेजिस्टेंस के लिए, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये कह रहा है कि यदि वी बाई आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, इफ वी बाई आई इज ए कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड। तो आपको बेटा ओम के नियम से पता है वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आर क्या होता है वी बाई आई, तो वी और आई का रेशियो अगर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट होता है रेजिस्टेंस के बराबर, तो डी ऑप्शन। तो ऐसे थके क्वेश्चन में हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इन हम एकदम उड़ाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन करो पढ़ते पढ़ते करना, क्वेश्चन नंबर 46 CBT 1 में तो और भी आसान आता है, जैसे CBT 2 जो होता है ना एलपी और टेक्नीशियन का जिसके नंबर जुड़ते हैं
उसमें तो फिर भी ये वन लाइनर मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया वी इक्वल टू आई आर से, वहां पे क्या कंफ्यूज कर देगा बस वो आपको कि करंट को मिली एम्पियर में दे देगा, तो बहुत सारे बच्चे एम्पियर में कन्वर्टर नहीं करेंगे, वहां गलती कर देंगे, है ना। या वोल्टेज को वोल्ट में देकर मिली वोल्ट में दे देगा, तो उस मिली वोल्ट को वोल्ट में नहीं बदलेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी गलती आप कर सकते हैं, लेकिन सीबीटी वन में तो ज्यादा आसान आते हैं। ये भी सीबीटी वन का ही है। तो 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो मेरे पास में दो रेजिस्टेंस हैं, ये 20 ओम के हैं, ये भी 20 ओम का और ये भी 20 ओम का, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब इनके साथ जब इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसे हम तीसरे तार के साथ जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो ये पूछ रहा है कि इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। अच्छा आप एक बात क्या करें, आप देखो ये 20 और 20 जुड़े हैं पैरेलल में, अगर तार पैरेलल में जुड़े हों और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो इनका हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। भाई देखो इनका इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लो, अगर तार पैरेलल में जुड़े हों और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो शॉर्टकट क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो और जितने तार हैं एक दो उससे भाग कर दो, तो कितना बन जाएगा 10 ओम। यानी इन दोनों को हटा के हमारे पास में 10 ओम आ गया और एक 10 ओम का साथ में लगाई है, तो 10 ओम और 10 ओम टोटल कितना बन गया मेरे पास में, ये 20 ओम। ये क्वेश्चन मैंने जान पूछ के इसलिए भी लिया है, एक चीज मुझे आपको बतानी थी। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था ना उसने इंग्लिश में तो यही लिखा था कि टू आइडेंटिकल रजिस्टर हैं 20-20 ओम के, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, तो आपको पता कि दोनों का 20-20 है, तो आप तुरंत एक नजर में क्वेश्चन कर लेते कि एक का रेजिस्टेंस 20 है तो दो है तो 200 भाग करके 10 बन गया, 10 और 10 हो गया 20। लेकिन उसने पता आपको हिंदी में, उसने यहाँ पे हिंदी में जो है ना यहाँ पे उसने 3 लिख रखा था, ये मैंने बाद में करेक्ट किया है, ये पेपर में उसने हिंदी वाले सेक्शन में 3 लिख रखा था, हिंदी वाले में लिख रखा था 2, तो हिंदी वाले बच्चे का आंसर आएगा ही नहीं सही। अगर 20-20 ओम के तीन तार जुड़े होंगे पैरेलल में, हर तार का रेजिस्टेंस है 20, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो जितने उससे भाग कर दो 3 हो गया, तो टोटल कितना बन गया 20/3, 20/3 10 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा 30, 50/3 आएगा, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो हिंदी में उन्होंने गलत लिख रखा था ये क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा हो ना हिंदी वाले उससे, तो वहां पे आप लैंग्वेज चेंज करके एक बार इंग्लिश में देख लिया करो, हिंदी वाले जो बच्चे हैं ये करना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में गलत कर दें, ये करना। राहुल यादव जी थैंक यू कह रहे हैं, नाइस मीटिंग। नंदलाल प्रेम शंकर एक क्वेश्चन देखो क्या है, इसने कहा कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, एक कंडक्टर हैविंग सम एप्रिकेबल रेजिस्टेंस, कह रहा है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो जिसका कुछ प्रतिरोध हो, सम क्या कहेंगे। तो देखो जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, इंसुलेटर पर टिक मत लगा देना, भाई इंसुलेटर जो होता है ना कुचालक, इनका रेजिस्टेंस तो अनंत होता है, और इसने कहा कि चालक वो कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो उसे हम रजिस्टर कहते हैं, तो रजिस्टर प्रतिरोधक का मतलब ये होता है कि वो चालक जिसका कुछ प्रतिरोध हो, तो इसका आंसर ए बनेगा, डी पे टिक मत लगा देना इसमें। तो हमने कई बार ना अगर आप न्यूमेरिकल भी देखो तो कई बार वो न्यूमेरिकल में भी लिखता है कि टू रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोधक का मतलब होता है कि वो चालक जिनका कुछ एप्रिसिएबल कुछ रेजिस्टेंस हो, 10 ओम 20 ओम 50 ओम कुछ रेजिस्टेंस हो, तो कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन ये करना, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द हीटिंग इफेक्ट इन द करंट विल बी, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका तो उसमें प्रभाव पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना या फिर जो आप कमेंट करें ना यहाँ पर लिंक में, मेरे टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, ऐसे बहुत सारे चैनल बना रखे हैं लोगों ने, पर आप जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाओगे ना तो आपको मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद जब ये क्लास खत्म होगी तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद द सॉल्यूशन। ठीक है ये करो, ये देखना भाई आप सभी को पता है कि अभी हमने बताया था आपको कि अगर किसी तार का रेजिस्टेंस आर हो उसमें अगर हम आई करंट पास कराएंगे तो कितनी हीट कितनी गर्मी पैदा होगी उसके अंदर, आई स्क्वायर आर टी। अगर आप इस तार का रेजिस्टेंस करेंगे हाफ तो R और H तो एक ही लाइन में, तो हीट भी कितनी पैदा हो जाएगी, पहले से हाफ पैदा होगी, देन द हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बी हाफ, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास अभी और लेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इलेक्ट्रिसिटी की एक क्लास और करेंगे, तो उसमें हम फिर आपके पास ये तीन जो क्लास हो जाएंगी, 35 क्वेश्चन हमने कल किए थे, लगभग 30-35 क्वेश्चन आज की क्लास में, 70-30 और करेंगे, तो तीन हम इलेक्ट्रिसिटी के जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपने ALP
टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और साथ में कुछ क्वेश्चन हम रेलवे ग्रुप डी के भी इसमें डाल रहे हैं। तो एक क्लास अभी इसके ऊपर उड़ चलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी सब बच्चे अपना डेली का अपना अलार्म लगा लो मोबाइल में 8:50 के आसपास का, कि भाई 9 बजे क्लास है अपना होगा, तो इसमें अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो अपना जुड़ते रहना, बाकी मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, कुछ बच्चे जो हमारे से डेली मिलते हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या कह रहे हैं। अलका सिंह कह रहे हैं सर ये क्लास डेली चलती है, 9 बजे डेली चलती है। विनोद भतोरिया कह रहे हैं डी देवी मोनिस्टर डेविल मोनिस्टर आपके से फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है कह रहे हैं डेविड पच देवरा ऑफिशियल। अमित कुमार, मनोज कुमार हरजानपुरा बजरंगी कह रहे हैं शुभरात्रि। प्रिंस राजस्थानी, राहुल शंकर, ललित भीम यादव, डेविड नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे डेली, आपके सारे चैप्टर करा देंगे। इसके बाद मैं हीट वाला चैप्टर से लूँगा, तो एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए खास तौर से उसने स्पेशली लिख रखा है सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड टेम्परेचर, तो ये तो बिल्कुल स्पेशल लिखे ही हैं। बाकी और जो चैप्टर हैं वर्क पावर एनर्जी जो भी लिखे हैं वो सब करा देंगे हम आपको। तो इसके बाद पहले भी एक दो क्लास अभी हम और लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, फिर हम आएंगे हीट के ऊपर। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।